हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन एजुकेशन चैनल टॉपर स्टॉप। आई एम डॉक्टर कनिष्का, वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, इस चैप्टर में हम पार्लियामेंट के पार्ट 7 को डिस्कस करेंगे एंड फाइनली ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। बहुत सारे पार्ट्स आए इसके, बट ये इंपॉर्टेंट भी इतना था और लंबा चौड़ा भी था बहुत ज़्यादा चैप्टर। तो इसके सारी चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी फंक्शन रोल ऑफ पार्लियामेंट को, जिसमें हम सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पार्लियामेंट का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है लॉज बनाना, कानून बनाना। तो यहाँ पे देखिए, पार्लियामेंट जो लॉज बनाता है वो हमेशा जो यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स है और कंकरेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर बनाता है। बट कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि स्टेट लिस्ट के अंदर भी जो पार्लियामेंट है उसको लॉज बनानी होती है। और वो सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, मान लीजिए कि राज्यसभा जो है वो कोई रेजोल्यूशन पास करता है कि, और कहता है लोकसभा को कि आपको स्टेट लिस्ट के ऊपर अब सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाना है, तो यहाँ पे बनाया जाता है। वहीं पे अगर मान लीजिए किसी कंट्री के अंदर नेशनल इमरजेंसी आ जाती है तो उस टाइम स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर पार्लियामेंट्री वर्क होगा। फिर उसके बाद अगर दो या उससे ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो एक साथ आते हैं और एक जॉइंट रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट से कि आप लॉ बनाइए, तो उस टाइम में पार्लियामेंट लॉ बनाएगा स्टेट सब्जेक्ट्स पे। और वहीं पर अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट या फिर ट्रीटी साइन की है पार्लियामेंट ने किसी और फॉरेन कंट्री के साथ, तो उसको इफेक्ट में लाने के लिए अगर किसी स्टेट सब्जेक्ट में कुछ ऑल्ट्रेशन करनी हो या फिर लॉ बनानी हो, तो उस टाइम पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है। और अगर किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो उस टाइम भी उस स्टेट सब्जेक्ट के जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट ही वर्क करता है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि देखिए, जब रिसेस ऑफ पार्लियामेंट होती है, मतलब कि दो सेशंस के बीच का जो टाइम होता है, उसमें जितने भी ऑर्डिनेंसेस इशू किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, तो पार्लियामेंट को वो अप्रूव करने होते हैं जैसे ही उसकी रीअसेंबली होती है विद इन 6 वीक्स। अगर विद इन 6 वीक्स पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंसेस को अप्रूव नहीं करते हैं तो वो ऑर्डिनेंसेस फेल हो जाते हैं, वो फिर आगे एक्ट नहीं बनते। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ फंक्शन। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव जो है वो हमेशा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमें पता है, अपनी सभी पॉलिसीज के लिए और एक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे जो लोकसभा है वो अपना एक्सप्रेस कर सकता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट इन फॉलोइंग वे। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि लोकसभा ही हमेशा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो कर सकता है गवर्नमेंट में, कभी भी राज्यसभा नहीं कर सकता है। तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या हो गया पार्लियामेंट का, कि वो विश्वास नहीं दिखा पा रहा है कि गवर्नमेंट सही तरीके से काम कर रही है। तो ये वो किस तरीके से करेगा, जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है। मोशन ऑफ थैंक्स क्या है कि जैसे ही आपका कोई न्यू सेशन शुरू हुआ है उसके बाद उन्होंने मोशन ऑफ थैंक्स किया है, तो वहाँ पे उनको पास ना करने देना और मेंबर्स के थ्रू, ये क्या डिफीट शो करता है, गवर्नमेंट की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है। और अगर पासिंग ऑफ मोशन ऑफ थैंक्स नहीं होता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना होता है। किसी मनी बिल को रिजेक्ट करके भी मोशन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो किया जा सकता है। और वहीं पर जो सेंसर या फिर एडजर्नमेंट मोशन होता है उसको पास करके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो किया जाता है, और कट मोशन को पास करके भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो किया जाता है। तो कल ही वीडियो में मैंने सारे आपको समझाए थे, तो वो आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना कि किसके अंदर क्या प्रोविज़न है। फिर देखते हैं हम फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शन को। तो देखिए, कोई भी जो टैक्स है ना तो वो लगाए हो सकता है, ना ही वो कलेक्ट हो सकता है, और ना ही कोई एक्सपेंडिचर जो है वो खर्च हो सकता है एक्सेप्ट एग्जीक्यूटिव, जबकि जब तक कि उसको परमिशन नहीं दे देता है। तो जब तक कोई अथॉरिटी नहीं है या फिर जो पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं है, तो फाइनेंशियल जो फंक्शनिंग है वो नहीं होंगी पार्लियामेंट के अंदर। तो देखिए, पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करता है इन फाइनेंशियल मैटर दो स्टेजेस में। तो फर्स्ट आता है जिसमें पोस्ट बजटरी कंट्रोल एंड सेकंड इज बजटरी कंट्रोल। तो जो बजटरी कंट्रोल होता है उसमें बेसिकली जितने भी ग्रांट्स का अप्रोप्रिएशन होता है, मतलब कि अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब हुआ कि डिमांड हुई ग्रांट की, उसको डिस्कस किया गया और फिर वोट किया गया कि ठीक है आप ग्रांट्स दे दीजिए, तो उससे पहले जो प्रोसीजर किया जाता है उसको बजटरी कंट्रोल कहा जाता है। और पोस्ट बजट कंट्रोल होता है कि अप्रोप्रिएशन हो चुका है, ग्रांट्स का वोट हो चुका है, ग्रांट्स के ऊपर दिया जा सका है, उसके बाद इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ के थ्रू। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट रूल ऑफ लैप्स। तो देखिए, अगर मान लीजिए जो ग्रांटेड मनी था, मान लीजिए कि किसी भी काम के लिए 100 रुपये पार्लियामेंट ने दिए थे, अब वो जो 100 रुपये हैं उसमें से 80 रुपये तो खर्च हुए बट 20 रुपये खर्च नहीं हुए, तो ये जो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में ये 20 रुपीज़ बच जाएंगे, तो ये जो बैलेंस है ये एक्सपायर हो जाएगा उस मिनिस्ट्री के पास और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अपने आप वापस आ जाएगा। वहीं पर मार्च रश क्या होता है कि देखिए,
जो मनी लेड मतलब कि यूज़ नहीं हुआ था, जो कि बैलेंस रहा था वो 20 रुपीज़ का, जब वो एक्सपेंडिचर बहुत जल्दी से फाइनेंशियल ईयर के टाइम में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 20 रुपये ही आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ को दिए हों, कहीं पे 20 रुपीज़ बच रहे हैं, कहीं 10 रुपीज़ बच रहे हैं, कहीं 30, कहीं 5 रुपीज़। तो इस तरीके से मान लीजिए ये 100 रुपीज़ हो गए टोटल मिनिस्ट्रीज़ को देख के। तो ये 100 रुपीज़ जब बहुत जल्दी से फाइनेंशियल ईयर के एंड में दोबारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आएंगे, तो इसको हम मार्च रश के नाम से जानते हैं। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट जुडिशियल पावर एंड फंक्शन। तो हमें पता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि अगर प्रेसिडेंट कोई गलती करते हैं तो वो उनको इम्पीच कर सकते हैं, वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की पावर भी पार्लियामेंट के पास है, और जो जजेस होते हैं इनको रिमूव करने के लिए रिकमेंडेशन भी किया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू। और देखिए पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं या फिर जो आउटसाइडर्स हैं, अगर वो अपने प्रिविलेजेस का डिसएडवांटेज उठाते हैं, उनका ब्रीच करते हैं, तो उस टाइम भी जुडिशियल पावर ऑफ पार्लियामेंट के अंडर उनको पनिश किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं, फाइनली हमारा चैप्टर ओवर, इज अबाउट स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। तो देखिए जो पार्लियामेंट है उसको ये ऑथराइजेशन है कि जो सब्जेक्ट है मेंशन इन स्टेट लिस्ट वो उनके ऊपर वर्क कर सकता है, पर ये जो स्पेसिफिकली पावर है वो राज्यसभा को दी गई है कि राज्यसभा ही उसके ऊपर लॉज बनाएगा। तो ये आर्टिकल 249 के अंदर बनाई गई है बात, मतलब कि राज्यसभा को पावर दी गई है, और वहीं पे जो पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया गया है कि वो एक ऑल इंडिया सर्विस कॉमन बना सकता है सेंटर और स्टेट दोनों के लिए, वो भी राज्यसभा के थ्रू बनाई जाती है, ना कि लोकसभा के थ्रू बनाई जाती है, और ये आर्टिकल 312 के अंदर आता है। तो ये दोनों स्पेशल पावर्स जो हैं वो आपको याद रखनी है। आर्टिकल का नंबर नहीं पूछेंगे आपसे कोई, ये पूछेंगे कि अगर कॉमन सर्विस कोई बनानी है तो वो दोनों हाउसेज मिलकर बनाते हैं, खाली लोकसभा बनाते हैं या राज्यसभा बनाता है, तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा बनाते हैं। तो फाइनली गाइस पार्लियामेंट चैप्टर इज़ ओवर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज हमारा का सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।